सारा कुक हाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने वाले हैं हरे चने का पुलाव। सर्दियों में ये हरे चने बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप इससे बहुत ही अच्छा टेस्टी पुलाव बना सकते हैं। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते। तो ये देखिए, हरे चने से पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप लंबे चावल लिए हैं, 1 कप हरा चना है, 4 टेबलस्पून तेल लिया है मैंने, हरा धनिया काट के लिया है, प्याज को लंबाई में काट के लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1 टमाटर को लंबाई में काट के लिया है, 1 खड़े मसाले हैं, 2 तेज पत्ते लिए हैं, 1 बादाम फूल है, 4 से 5 लौंग लिया है मैंने, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 काली मिर्च है, 1 हरी इलायची है, और ये अदरक और हरे धनिए का पेस्ट बना के लिया है मैंने, 2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून जितना शाही बिरयानी मसाला लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर है और 3 टीस्पून जितना नमक लिया है। तो चलिए ये पुलाव बनाना शुरू करते हैं। ये टमाटर के छिलके से फूल बना के रखा है मैंने, जिसका मैं गार्निशिंग में यूज़ करने वाली हूँ। इसका वीडियो मैं आज के रेसिपी के एंड में डाल दूँगी। तो ये देखिए, कुकर मैंने गैस पे भी रख दिया है। अभी मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अभी हम इसमें 1 खड़े मसाले डालते जाएंगे, बादाम फूल, हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग 4 से 5 है ये, और ये काली मिर्च 4 से 5, और ये 2 तेज पत्ते भी डाल दूंगी मैं, 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, प्याज भी डाल दूंगी मैं। प्याज को थोड़ा देर पका लेंगे हम। देखिए, प्याज को थोड़ा सा पकाया है मैंने 1 से 2 मिनट तक। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी थोड़ा पका लेंगे हम। ये देखिए, ये टमाटर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है तेल में। अभी मैं इसमें ये हरा चना भी डाल दूंगी, इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे इसमें। देखिए, ये हरे चने को भी मैंने 1 से 2 मिनट तक तेल में भून लिया है। अभी मैं इसमें ये अदरक और हरे धनिए का ये जो पेस्ट बनाया है मैंने, ये डाल दूंगी इसमें, इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे हम। अभी मैं इसमें ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर है ये, 2 टीस्पून जितना ये शाही बिरयानी मसाला डाल रही हूँ इसमें, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर है, और ये 3 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अभी मैं ये चावल इसमें डाल रही हूँ, धो के लिए है मैंने चावल, सोक नहीं किया है मैंने इसे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसे। अभी मैं इसमें 2 कप चावल के लिए मैं ये 3 कप जितना पानी डाल दूंगी मैं इसमें, मेजर करके लिया है मैंने इसे। अभी मैं इसे बंद करके 2 सीटी लगाने वाली हूँ। हरा धनिया डाल देंगे इसमें। ये अभी कुकर ठंडा हो गया है, अभी मैं इसे खोल रही हूँ। वाओ, ये देखिए कितना अच्छे से ये पुलाव बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा है ये।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये तैयार है, अभी मैं आपको एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, टमाटर के छिलके से गुलाब का फूल बनाने के लिए मैंने एक टमाटर लिया है। अच्छे से फर्म होना चाहिए, कहीं से भी ऐसे दबना नहीं चाहिए, अच्छे से फर्म हो। अभी मैं इसे एक चाकू की मदद से इसका छिलका निकालने वाली हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे हम, इस तरह से। धीरे धीरे करके ये छिलका हमें निकालना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम छिलका इसका धीरे धीरे निकालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा छिलका निकाल लेंगे हम। ये देखिए, ये पूरा छिलका निकल गया है। पूरा छिलका निकलने के बाद यहाँ से हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है हमें ये प्रोसीजर। ये इस तरह से अभी यहाँ पे इसे रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये टमाटर से ये फूल बन के तैयार है। इसे अब हम किसी भी राइस के डेकोरेशन में या सैलड के डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। ये जो टमाटर का पल्प बचा है, ये आप किसी भी दाल में ये कट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, गर्मा गर्म हरे चने का पुलाव बन के तैयार है। टमाटर के फूल से गार्निश किया है मैंने इसे, इसका भी वीडियो मैंने डाला है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो गर्मा गर्म हरे चने का पुलाव बनके तैयार है। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।